गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों को है जो देर तक सोते रहते हैं। कहा गया है, किसी कवि ने कहा है, उठ जाग मुसाफिर भोल भयो, अब लैन कहाँ तू सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। मित्रों, बिल्कुल दोहा सटीक है, जो सोबत है वो खोबत है, जो सोता है वो खोता है और जो जागता है वो पाता है। मित्रों, हमें न देर रात तक जागना चाहिए और ना देर तक सोना चाहिए। सूर्योदय से पहले मुझे या आपको या किसी को भी अच्छे बच्चे को जो पढ़ता लिखता है 4-5 बजे उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है उठने का टाइम। यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो हमारा सब कुछ पूरा दिन अच्छा ही अच्छा जाएगा। उठिए, पानी पीजिए 1-2 गिलास और उसके बाद अपना दैनिक कार्यक्रम करिए, एक्सरसाइज करिए, टहलिए, उसके बाद अपनी जो भी आपकी दिनचर्या है, पढ़ाई किया है, दुकान पे जाना है या जो भी करना है अपना करो, सब कुछ अच्छे से बीतेगा। लेकिन मित्रों, मैं अभिभावकों से भी कहता हूँ कि अपने बच्चों को ज़्यादा देर तक सोने ना दें कि वो 10 बजे 12 बजे 9 बजे उठते हैं। ये बहुत गलत आदत है, इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा और किसी को नहीं। तो आप लोग अपने बच्चों में अच्छी आदतें डालिए, अच्छी तरह की आदतें उनमें डालिए, ना वो देर तक सोएं और ना देर से सोएं और ना देर में उठें। जल्दी सो, जल्दी उठो, ये नियम बना लो। और बच्चों को तो 24 घंटे में यदि बच्चे 6-7 घंटे भी सो लें तो बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए तो एक दोहा भी कहा गया है, कैक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गए त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। कैक चेष्टा, कौए जैसी दृष्टि, बको ध्यानम बगुले जैसा ध्यान, स्वान निद्रा कुत्ते जैसी नींद, तथैव च अल्पहारी थोड़ा खाने वाला, गए त्यागी घर को छोड़ने वाला, विद्यार्थी पंचलक्षण। विद्यार्थी के अध्ययन करने वाले को, पढ़ाई करने वाले को, 18 साल से कम बच्चे को 5 गुण होने ही चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गहे त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। ऐसे 5 लक्षण बच्चों में होने ही चाहिए। यदि अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षित करना है, अच्छा बनाना है, तो उनके अंदर 5 गुण अवश्य होने ही चाहिए। मित्रों, अपने बच्चों को अच्छा बनाइए और जो मैंने वीडियो में बताया है वो चीज़ें अवश्य फॉलो करिए। आपकी तरक्की होगी, आपके बच्चों की भी तरक्की होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।